हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो भाई लोगों, देख रहे हैं लोबी में 17 लोग हैं गाइस। 17 लोगों के साथ जब खेलोगे तो बहुत मज़ा आता है गाइस। तो गाइस, अभी हम लोग इस वीडियो में लड़ने वाले हैं आर्टिगोनो से गाइस। और ये मेरी सेकंड रेड है गाइस। फर्स्ट रेड में मैं, मतलब 6 लोग थे लोबी में। फिर पता नहीं, जब लोबी स्टार्ट हुआ मैच तो वहाँ पर 0 थे। उसके बाद जिसने मुझे इन्वाइट किया था वो भी गायब थे। तो इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं गाइस कि कैसे रेड में घुसना है, प्लस कैसे कैच करना है गाइस। कैच करना मोस्ट इम्पोर्टेंट। सो गाइस, हमसे ध्यान रखना, जब भी आप कहीं पर रेड में इनवाइट होते हो तो वहाँ वेट करना गाइस। जब तक वहाँ पर 10 से ज़्यादा लोग नहीं हैं तब तक मत जाना गाइस। और जिस टीम के आप हो उसी टीम के जिम में जाना गाइस। उससे क्या होगा, आपको एक्स्ट्रा पोकी बॉल्स मिलेगी और आपका फ्रेंड और आपका लेवल अच्छा होना चाहिए गाइस। उससे भी बहुत फ़ायदा होता है। तो अभी मुझे नेहा जी ने इनवाइट किया और हमारा लेवल था ऐसे अल्ट्रा है, बट नेहा जी ने एग्जिट कर दिया होगा शायद, मुझे पता नहीं। तो गाइस, अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ टाइम पहले हेटरन की रेड हुई थी गाइस। उस हेटरन की रेड लगता है इसी दिन के लिए हुई थी। सारे हेटरन भर रखे हैं गाइस। मेरा भी हेटरन निकलने वाला है थोड़ी देर में। सबके पास हेटरन है गाइस। तो यहाँ पर से फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है, तो इसका क्या रॉक टाइप से थोड़ी दिक्कत होगी गाइस, क्योंकि ऊपर से आइस टाइप प्लस रॉक टाइप है। तो मतलब आइस टाइप प्लस फ्लाइंग टाइप है, तो रॉक टाइप से उसको दिक्कत होने ही वाली है। तो भाई यहाँ पर लोग हैं पूरे 18 गाइस। 18 लोगों का मतलब है कि मतलब एक तो पोकी बॉल्स मिलने वाली है टाइम की, क्योंकि हम लोगों ने बहुत जल्दी रेड कंप्लीट की है। दूसरा, हमको शायद ये जिम मेरे उसका फेवरेबल जिम नहीं है, मेरी टीम का नहीं है गाइस। ये येलो वाला है, मैं ब्लू टीम से हूँ गाइस। तो मुझे वहाँ थोड़ी कम बॉल मिलेंगी, बट फिर भी अपने पोकेमॉन काफ़ी ज़्यादा सीपी के थे गाइस। ज़्यादा सीपी के पोकेमॉन यूज़ करना जब भी करना, क्योंकि डैमेज की भी पोकेबॉल्स मिलती हैं। तो यहाँ मैंने फटाफट से निकाल दिया ये, मतलब क्यों टाइम वेस्ट करना गाइस। तो गाइस, अब बारी है चेक करने की शाइनी है कि नहीं गाइस। और गाइस, शाइनी नहीं है। तो ये एक वेदर बूस्टेड रेड है गाइस। तो अभी हम इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे गाइस। सबसे पहले हम लोग बेरीज यूज़ करेंगे, जो कि गोल्डन रास्पबेरीज है, बेस्ट है गाइस। उसका सर्कल को सेट करेंगे, लॉक करेंगे गाइस। सर्कल को लॉक करने का थ्रो, जैसे ही वो अटैक करे थ्रो कर देने का है गाइस। तो ये देखिए गाइस, निकल आया बार, बदतमीजी कर रहा है ये। सो गाइस, अभी देखो सर्कल छोटा कर दिया मैंने, और अब इसका अटैक का वेट कर रहे हैं गाइस। लेट हिम अटैक एंड देन थ्रो। सो गाइस, सर्कल क्या है, इसको छोटा और करना पड़ेगा तभी एक्सीलेंट लगेगा गाइस। वैसे मेरा तो कोई एक्सीलेंट का वो रहता नहीं है, अपने को क्या कि बस पकड़ में आना चाहिए गाइस। तो अभी बहुत छोटा हो गया गाइस सर्कल, बट अब शायद से मेरा थोड़ा सा साइड रहे, चोंच पे मारने का है। और ये थोड़ा ऊपर है तो घुमाने में बहुत दिक्कत हो रही है। बहुत जल्दी निकल रहा है। स्टार्टिंग में मुझे लगा कि गाइस कि कहीं मैं बैन तो नहीं हो गया, क्योंकि बॉल के अंदर आते ही निकल रहा है, बॉल के अंदर आते ही निकल रहा है। बट बाद में शायद से इस वाली बॉल में ये 2 बार बॉल मूव की थी गाइस। देखो, 2 बार मूव कर गई, नहीं तो पकड़ में आ गया किसी एक सीन में, क्या 2 बार बॉल मूव हुई थी। तो गाइज, यहाँ पर हम लोग ने आर्टिगोनो को कैच कर लिया है। तो अभी हम लोग इसके अप्रेजल चेक करेंगे। अप्रेजल ठीक है, मतलब अटैक्स में ठीक है गाइज। और गाइज, अगर हमने वीडियो यहाँ तक देख ली और आपको चाहिए आर्टिगोनो विद बेस्ट मूव सेट, तो आप एक काम करना, आई बटन जरूर चेक करना। आई बटन में चेक कर लेना, वहाँ पर एक वीडियो आप लोगों के लिए लगा रखी स्पेशल, वो स्पेशल वीडियो पक्का देख लेना भैया, फॉर आर्टिगोनो बेस्ट मूव सेट। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।